welcome students to important questions of chapter 1 number system. हम आज exponents के आपके questions को करने वाले हैं. Last exercise है आपकी exponents की और इसका ये question लेकर मैं आया हूँ आपके लिए 1/27 की power minus 2/3. अब देखिए 1/27 की power minus 2/3 है. So जब भी अगर आपने मेरी videos देखी हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने इस तरीके के questions भी समझाए हैं. यहां पर सबसे पहले क्या करना होता है, जो पावर आपकी डिनोमिनेटर में है पहले उसको सॉल्व करना है. माइनस टू अपॉन थ्री का मतलब क्या है, माइनस टू इंटू वन अपॉन थ्री. तो पहले आप वन अपॉन थ्री को सॉल्व करेंगे फिर आप माइनस टू को सॉल्व करेंगे. आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं कि पहले माइनस टू को सॉल्व करें फिर वन अपॉन थ्री को, लेकिन वहां पर एरर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. सो इसलिए वो तरीका आप ना करें. बात करते हैं यहां पर. सो ये 1/27 की पावर 1/3 द होल की पावर माइनस टू कर ली. 1/27 की पावर 1/3 है. प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 27 का. 3 3 9, 3 9 27, 3 9 3 3 9, 3 1 3. 27 कितना हो गया, 3 × 3 × 3, यानी कि 27 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3. आपका 1/3 है, पेयर आप 3 का लेंगे और 3 का पेयर लेने पर यहां पर केवल एक ही 3 आ रहा है. टेकिंग पेयर ऑफ 3 3s यू गेट ओनली 1 3 फ्रॉम हेयर. सो इसकी वैल्यू आपकी 1/3 आ गई. अब देखिए ये जो पावर है ना, ये 1/1 की पावर 1/3 और 27 की पावर 1/3, यही हो गया ये की पावर माइनस टू. सो 1 की तो पावर कुछ भी हो वो 1 रहेगा. सो ये 1 हो गया और 27 की पावर 1/3, अब आपको समझ में आ गया 3 हो गई की पावर माइनस टू. अब आप पहले रेसिप्रोकल कर लीजिए या पहले स्क्वायर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने कहा कि पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं की पावर माइनस 1 की पावर 2. ये हो जाएगा, देखिए जब भी पावर माइनस में होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है. अगर मैं कहूँ a की पावर माइनस 1 तो उसका मतलब होता है 1/a. अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो एक बार वीडियोस देख लीजिए. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की वीडियोस को अच्छे से देखिए, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी. और अगर 1/a की पावर माइनस 1 है तो ये हो जाएगा a. सो 1/3 की पावर माइनस 1 वो हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका 9. तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का. आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए साथ में जुड़े रहिएगा.